नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है छठी जमात की उर्दू की मुआविन दर्शी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल लोक कहानियां। इस प्रोग्राम में पेश खिदमत है लोक कहानी ईंट का जवाब पत्थर। जोधपुर से 10 मील के फासले पर एक गांव में एक किसान रहता था। ये किसान बहुत गरीब था, लेकिन था वो बहुत अक्लमंद। सुबह से शाम तक मेहनत करता, फिर भी उसका पेट ना भरता था। उसकी बीवी इस हालत से परेशान थी। वो सोचती कि उनकी भी क्या जिंदगी है कि सारी उम्र यूं ही परेशानी में गुजर रही है। एक दिन उसने किसान से कहा, देखो जी, हाँ? हमें इस गांव में रहते हुए इतने दिन हो गए और हमने किसी की दावत तक नहीं की। आखिर ऐसा भी क्या, अब की फसल पर मैं सब गांव वालों को खाना खिलाऊंगी। ठीक है, किसान क्या कहता, खामोश हो गया। फसल का वक्त आया तो उनके पास अनाज इतना न था कि दावत हो सकती। जब बीवी ने बहुत जिद की तो वो अपना बैल बेचने को तैयार हो गया। जब बैल लेकर चला तो बीवी ने कहा, देखो, हाँ? इस बैल के कम से कम 100 रुपए मांगना, और अगर कोई तैयार ना हो तो 80 कहना और फिर 70 कहना। मगर देखो, किसी तरह 60 से कम पर ना बेचना। ठीक, चलता। किसान बैल को लेकर रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में भेड़ें चराने वाला मिला। वो अपनी भेड़ें चरा रहा था। किसान को देखकर उसने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मैं बैल बेचने जा रहा हूँ। गडरिया बोला, अरे बैल की तो मुझे भी जरूरत है। अच्छा, कितने रुपए लोगे? किसान ने जवाब दिया, भाई हमारी घरवाली ने इस बैल के 100 रुपए बताए हैं, इसलिए हम 100 रुपए में बेचेंगे। देखो ये तो बहुत हैं। हम ऐसा करते हैं कि किसी और आदमी से बैल के दाम पूछते हैं। जो दाम वो बताए वही बैल के दाम होंगे। ठीक है। किसान इस बात पर तैयार हो गया। वो दोनों आगे बढ़े तो सामने टीले पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था। दोनों उस बैल को लेकर उस बूढ़े के पास पहुंचे और कहा, बाबा, हाँ? इस बैल की क्या कीमत होगी? बूढ़ा सोचता रहा, कुछ उंगलियों पर हिसाब लगाता रहा और फिर बोला, 14 रुपया। किसान ये सुनकर हैरान रह गया। 14? मगर बात का पक्का था। ये कह चुका था कि जो कीमत ये बताएंगे मंजूर है। उसने 14 रुपए लेकर
बैल उसे दे दिया। घर लौटा तो बीवी नाराज हुई और उसने कहा, जरूर वो कोई ठग था। अरे वो तुम्हें उससे इस हरकत का बदला जरूर लेना चाहिए। दूसरे दिन किसान ने औरत का भेष बदला, गहने पहने और उसी तरफ रवाना हुआ। औरत को ऐसे आता देखकर कटरिये ने कहा, कहाँ जा रही हो? किसान ने बारीक आवाज बनाकर जवाब दिया, घर छोड़कर आई हूँ, अब जो दाल रोटी देगा उसी के साथ रहूंगी। गडरिया खुश हो गया और कहने लगा, चलो मेरे घर चलो, वहां तुम्हें कोई दुख ना दूंगा और तुम्हारा हर तरह ख्याल रखूंगा। चलो। दोनों घर पहुंचे। किसान ने देखा कि वो बूढ़ा जिसने उसके बैल की कीमत लगाई थी घर में बैठा हुआ है। वो फौरन सब कुछ समझ गया। गडरिया बोला, बाबा आज तो ये औरत लेकर आया हूँ, अब मैं इसे घर में रखूंगा। बूढ़ा बोला, अरे तुम नौजवान हो तो फिर शादी कर लेना, ये औरत मेरी खिदमत करेगी। ये सुनकर गडरिया उस औरत को छोड़कर फिर अपने काम पर चला गया। बूढ़े ने उस औरत को सारे घर की सैर कराई और तमाम कमरे दिखाए। उसने कहा, इन कमरों में रुपया गड़ा है, सब तेरा है। जब किसान ने देखा कि जवान बहुत दूर चला गया है तो उसने डंडा लेकर बूढ़े को खूब पीटना शुरू कर दिया। वो पीटता जाता और कहता जाता, मेरा नाम पीट का जवाब पत्थर, मेरा नाम ईंट का जवाब पत्थर। बूढ़ा पिटते पिटते बेहोश हो गया। किसान ने उसके घर से रुपया निकाला और चल दिया। किसान की बीवी इतना बहुत सा रुपया देखकर बहुत खुश हुई। किसान ने कहा, अभी बदला पूरा नहीं हुआ, अब देखना मैं उसका क्या हशर करता हूँ। दूसरे दिन वो वैद्य का रूप बदलकर उस ठग के घर के बाहर पहुंचा और आवाज लगाई, दवा लो दवा, दवा लो दवा। ठग तो वहां पड़ा ही हुआ था, उसके सारे बदन पर चोट आई थी। उसने उसे अंदर बुलाया
अंदर गया तो देखा कि वहां दोनों मौजूद हैं। उसने जवान से कहा, सुनो हाँ? थोड़ा सा भेड़ का दूध ले आओ, मैं दवा बनाता हूं। अभी लाया? जवान तो बाहर गया और किसान ने फिर उस बूढ़े को पीटना शुरू किया। पीटते पीटते कहता जाता, मेरा नाम ईट का जवाब पत्थर, मेरा नाम ईट का जवाब पत्थर, मेरा नाम ईट का जवाब पत्थर। जब बूढ़ा मार खाते खाते गिर पड़ा तो किसान ने दूसरे कमरे का रुपया भी निकाल लिया और चल पड़ा। अब उसके पास दो कमरों का रुपया तो आ चुका था, अब दो कमरों का बाकी था। तीसरी मर्तबा उसने ज्योतिषी का रूप बदला और चल दिया। रास्ते में वही गडरिया मिला। गडरिये ने कहा, महाराज, दो दिन से कोई शख्स ईंट का जवाब पत्थर आता है और हमें मार पीट कर भाग जाता है, उसका पता बताइए। ज्योतिषी ने हिसाब लगाया और कहा, तीसरा घर 10। सुनो जी, तुम मंदिर में जाओ और वहां एक घंटे तक एक टांग पर खड़े होकर प्रार्थना करो, वो शख्स खुद तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। जी ठीक है। गडरिया मंदिर में पहुंचा। थोड़ी देर बाद किसान फिर घर में दाखिल हुआ और उसने उसी तरह बूढ़े की खूब पिटाई की। जब बूढ़ा बेहोश हो गया तो तीसरे कमरे का रुपया भी निकाला और चलता बना। अब बस एक कमरा बाकी था। किसान सोचने लगा कि अब क्या तरकीब हो। वो एक दिन अपने गांव के बाहर निकला तो वहां क्या देखता है कि एक आदमी घोड़े पर सवार जा रहा है। उसने पूछा, सवार भाई तुम किधर जाते हो? उस सवार ने कहा, हमारे ठाकुर साहब का ऊंट गुम हो गया है। अच्छा, मैं उसको ढूंढने जाता हूँ। किसान के जहन में फौरन एक तरकीब समझ में आ गई। उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे साथ चलो। उसे किसान उसी ठग के घर की तरफ ले गया और उससे कहा, यही वो घर है, इसी घर वाले ने ऊंट पकड़ा है, तुम इसके यहाँ जाना और कहना कि ईंट का जवाब पत्थर आ गया है, अब समझो। सवार ने ऐसा ही किया। जब कटरिये ने ये नाम सुना तो डंडा लेकर पीछे दौड़ा और उसे दौड़ते देखकर सवार घोड़े पर बैठकर भाग गया।
आगे आगे सवार और पीछे पीछे गडरिया। जब गडरिया बहुत दूर निकल गया तो किसान घर में दाखिल हुआ और फिर बूढ़े को पीटने के लिए आगे बढ़ा और कहने लगा, अब आया ईंट का जवाब पत्थर। ये नाम सुनकर बूढ़ा फिर बेहोश हो गया और किसान चौथे कमरे का रुपया भी ले गया। इस तरह उसने अपना बदला ले लिया। कुछ दिनों के बाद उसने गांव वालों की बड़ी जोरदार दावत की। और हंसी खुशी रहने लगा। ईंट का जवाब पत्थर। अभी आप सुन रहे थे ये लोक कहानी। एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंस अब्दुल हक कमाल, फनकार मंजू मैनी, राम मैनी, सादिया रहमान, उमर रजा खान और मोहम्मद आजम शाह, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, एडिटर बटिलेंगलिंगदो और अमिता भट्टी, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, असिस्टेंस इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।